कुदरत का नियम है, दोस्त और तस्वीर दिल से बनाओ तो रंग निखर कर आते हैं। क्रिकेट में आपने दोस्ती की बहुत बड़ी बड़ी मिसालें सुनी होंगी, लेकिन अगर बात करें सुरेश रैना और MS धोनी की दोस्ती की तो ये कहीं ज्यादा ऊपर है। 15 अगस्त 2020 का वो दिन जब भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बेहद ही कठिन दिन था, क्योंकि उसी दिन शाम को भारतीय क्रिकेट टीम के दो ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने विश्व कप समेत कई ट्रॉफीज भारत को दिलवाई, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी फैंस को चौंका दिया। जी हाँ, वो है पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने अचानक इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट का ऐलान कर फैंस को हैरान कर दिया था। अब इस खबर के कुछ मिनटों बाद फैंस को एक और झटका तब लगा जब भारत के धुआंधार बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि 33 साल की उम्र में संन्यास का ऐलान करने वाले रैना का फैसला फैंस के गले नहीं उतरा। 2 साल के बाद रैना ने आखिरकार अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कहने का फैसले पर खुलकर बात की है। एक प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उस दिन के किस्से को भी शेयर किया। उन्होंने कहा, हमने एक साथ इतने सारे मैच खेले हैं, मैं उनके साथ भारत और CSK के लिए खेलने के लिए भाग्यशाली था, हमें बहुत प्यार मिला। मैं गाजियाबाद से आया हूँ, धोनी रांची से, मैं MS धोनी के लिए खेला, फिर मैं देश के लिए खेला, वो कनेक्शन है। हमने इतने फाइनल खेले हैं, हमने विश्व कप जीता है, वो एक महान कप्तान और एक महान इंसान है। आपको बताते चलें कि रैना ने साल 2011 में भारत की विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रैना ने 13 साल तक चले अंतर्राष्ट्रीय करियर में 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 T20 मैच में 1604 रन बनाए थे। सुरेश रैना ने तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी भी जमाई है। साल 2021 में रैना ने इंडियन प्रीमियर लीग का अपना आखिरी सीजन भी खेला था। तो यूं ही खेल जगत के सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए JBT Live। नमस्कार।